नमस्कार दोस्तों, वेलकम आप सभी का बिग बैश लीग का 52वां मैच पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस मेलबर्न रेगनेट्स के बीच पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा। तो पर्थ स्टेडियम की पिच रिपोर्ट्स कैसी है, रिसेंट मैच देखेंगे कितना स्कोर्स हुआ था, कितने विकेट्स गिरे थे और कौन आज के मैच में ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स होगा, बैट्समैन कितने लेने हैं, बॉलर्स कितने लेने हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन कौन ठीक करेगा, सारी बातें देखेंगे वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों पिच रिपोर्ट्स की बात करें तो इस पिच पर जो लास्ट दो मैच खेले गए हैं पहले उनको देख लेते हैं। 18 जनवरी 2023 को जो लास्ट मैच हुआ था होबार्ट हरिकेन्स वर्सेस स्कॉचर्स के बीच, उसमें होबार्ट हरिकेन्स ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 146 रन बनाए और 9 विकेट गिरे, जबकि एससीओ ने 147 रन बनाकर 3 विकेट से यह मैच जीत लिया। तो इस मैच में तो स्कोर दोस्तों 150 से कम हुआ। फर्स्ट इनिंग्स में 9 विकेट्स गिरे हैं और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स गिरे हैं और चेजिंग करने वाली टीम ने यहां पर मैच विन किया। दूसरा मैच दोस्तों तो 7 जनवरी को आता, उसमें एचईए ने 171 रन बनाए और 9 विकेट्स गिरे और चेजिंग करने वाली टीम एससीओ 173 रन बनाए और 3 विकेट्स पर खोकर इस मैच को विन कर लिया। तो दोस्तों यहां पर एक मैच में 150 का स्कोर हो रहा है, एक मैच में 170 का स्कोर हो रहा है और फर्स्ट टाइम बैटिंग करने वाली टीम के विकेट्स ज्यादा गिर रहे हैं। चेजिंग करना आसान है, एक तो आपको यह बातें ध्यान में रखनी है। थोड़ा और पिच रिपोर्ट्स देख लेते हैं। इस पिच पर 27 अब तक मैच खेले जा चुके हैं जिनका एवरेज स्कोर 163 का है। एवरेज स्कोर से पता चलता है कि एक अच्छी खासी पिच है क्योंकि एवरेज स्कोर 163 का है। हाइएस्ट स्कोर भी इस पिच पर 213 तक जा चुका है और जो रिसेंट की बात करें दोस्तों उनमें 150 के आसपास स्कोर बन रहा है, 170 के आसपास स्कोर बन रहा है। तो आज के मैच में भी पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस मेलबर्न रेगनेट्स के बीच जो मैच है, हम यही मानकर टीम बना सकते हैं 170 से 190 के बीच ही स्कोर बनता है। ज्यादातर हम मानकर चलेंगे 170 के आसपास ही स्कोर होगा, जैसा कि स्कोरिंग पैटर्न भी है। तो 150 से नीचे 8 बार स्कोर बना है, 150 से 170 के बीच 5 बार, 170 से 190 के बीच जो सबसे ज्यादा बार 11 बार स्कोर बना। तो आज भी मैं 160 के आसपास ही स्कोर मानकर अपनी टीम बनाने वाला हूं कि 160 से 165 70 के आसपास स्कोर होने वाला। अब दोस्तों इन दोनों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों के बीच अब तक 16 मैच खेले जा चुके हैं जिसमें से पर्थ स्कॉचर्स ने 13 और मेलबर्न रेगनेट्स ने सिर्फ 3 ही मैच जीते हैं, यानी कि यहां पर पर्थ स्कॉचर्स हावी है और देखा जाए पर्थ स्कॉचर्स वैसे अपने होम ग्राउंड पर भी खेल रही है तो इस बात का भी बेनिफिट है और वैसे भी ये स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन दोस्तों अभी जो बिग बैश लीग की अंक तालिका की बात की जाए उसमें भी पर्थ स्कॉचर्स फर्स्ट नंबर पर चल रही है और मेलबर्न रेगनेट्स जो कि 4 नंबर पर चल रही है। इसलिए मेलबर्न रेगनेट्स भले ही 4 नंबर पर हो और इनसे काफी कम तुलना हो, यानी कि आप देख रहे हैं कि 13 मैच और 3 मैच काफी डिफरेंस है, 10 मैचों का थोड़ी वीक है, फिर भी आज के मैच में मेलबर्न रेगनेट्स मेरे हिसाब से इस मैच को विन करने वाले क्योंकि वो अपने पूरे चांसेस के साथ मैच को खेलेगी। तो इसलिए 6-5 के कॉम्बिनेशन के साथ हम अपनी टीम बना सकते हैं। अब दोस्तों पर्थ स्कॉचर्स की प्लेइंग 11 की बात कर लें और रिसेंट फॉर्म देख लें कि किसका रिसेंट फॉर्म कैसा और कौन प्लेयर्स ठीक ठाक हमारी टीम के लिए रह सकता है। स्टीव स्कनाजी दोस्तों ओपनिंग करेंगे, परफॉर्मेंस की बात करें तो 40-66 और लास्ट के दो मैचों से 0-2 रन। बैट्समैन ऑप्शन में हम 160 के आसपास स्कोर मानकर टीम बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है 3 ही बैट्समैन हम अपनी टीम में लेकर चलने वाले हैं और स्कनाजी टैलेंटेड है, ग्रैंड लीग के लिए अच्छे खासे पिक रहेंगे, समो लीग में थोड़ा इनको ड्रॉप ही करेंगे, ग्रैंड लीग में बेशक इनको कन्फर्म ले लेना, ये नहीं कि रिस्की होंगे प्लेयर सच्चे हैं स्कनाजी लिया जा सकता है, लेकिन समो लीग में इनको मैं ड्रॉप करूंगा, लास्ट दो मैचों से उतना अच्छा परफॉर्मेंस है नहीं और थोड़ा यहां पर ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में उतना अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। सी बैनक्रॉफ्ट दोस्तों टैलेंटेड है, लगातार रन बनाने वाले प्लेयर्स हैं, हालांकि लास्ट 3 मैचों से उतना अच्छा स्कोर से नहीं कर पा रहे। आप देख रहे हैं कि लास्ट 4 मैचों की बात करें तो 55 रन, उसके बाद 1-1-7 रन, लेकिन सेलेक्शन इनका अच्छा खासा रहता है और प्लेयर्स भी मोस्टली टाइम अच्छा खासा करते हैं और बैटिंग पिच पर तो ये अच्छे खासे रन बनाते हैं। तो बैनक्रॉफ्ट को मैं कंफर्म अपनी टीम में लेकर चलूंगा। आरोन आरडी दोस्तों लास्ट के 4 मैचों की बात करें और लास्ट के 2 मैचों की बात करें तो आप देख रहे हैं कि 90 रन और 43 रन बनाकर आ रहे हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं ऑलराउंडर ऑप्शन में, हालांकि बॉलिंग तो कर नहीं रहे लेकिन बैटिंग से इतने अच्छे पॉइंट्स दे रहे हैं तो इनको रिसेंट फॉर्म के आधार पर आप अपनी टीम में लेकर चल सकते हो। जोश इंग्लिश दोस्तों लगातार रन बनाने वाले प्लेयर्स हैं, क्वालिटी के प्लेयर्स हैं और मोस्टली टाइम ये रन बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि 67 रन, 11 रन, 53 रन, 22 रन, विकेट्स कीपर ऑप्शन में इनको भी कंफर्म टीम में लेकर चला।
पांच नंबर पर दोस्तों एस्टोन टर्नर टीम के कैप्टन है और ये मिनी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग के लिए मोस्टली टाइम ट्रम्प कार्ड प्लेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पांच नंबर पर बैटिंग, भले इनका पांच नंबर पर बैटिंग ऑर्डर हो लेकिन पांच नंबर पर टी ट्वेंटी में आसानी से बैटिंग आती है क्योंकि जल्दी जल्दी विकेट्स गिरते हैं। तो अगर आप इनको इस वजह से ड्रॉप करो कि इनका बैटिंग ऑर्डर पांच नंबर है तो वो गलत है क्योंकि इनकी बैटिंग आने के चांसेस है और ये यूनिक रिस्की अच्छे खासे ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हो सकते हैं। अच्छी खासी ये बैटिंग भी कर सकते हैं, 34 का एवरेज भी इनका इस पिच पर और कुछ एक और बॉलिंग भी कर जाते हैं, इसलिए अच्छे खासे पिक हो सकते हैं अगर आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। तो निक ऑप्शन दोस्तों छह नंबर पर बैटिंग है, उतने परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं, तो इनको तो ड्रॉप ही करेंगे। एस्टोन अगर दोस्तों ठीक ठाक इनका सिलेक्शन है, 30% है, ऑलराउंडर ऑप्शन में है और बैटिंग से ये जरूर बैकअप आपको इस मैच में मेरे हिसाब से देखते हुए दिखाई दे सकते हैं। 15-20 रन अगर बैटिंग में दे जाते हैं और यूनिक प्लेयर्स हैं और पूरे चार ओवर ये बॉलिंग करते हैं जो एक इंपॉर्टेंट बात ये है। हालांकि ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर्स तो नहीं है लेकिन चार ओवर बॉलिंग करते हुए ये कभी कभी एक आध विकेट निकाल लेते हैं, कभी दो विकेट्स भी निकाल लेते हैं। तो इसलिए अगर आप रिस्क लेना चाहो तो एस्टोन अगर एक रिस्की प्लेयर्स हो सकते हैं ग्रैंड लीग में, और ऐसे प्लेयर्स पर आपको ग्रैंड लीग के लिए रिस्क लेना ही होता है, स्मॉल लीग में खुलकर ड्रॉप करना। एंड्रू टाई दोस्तों रिसेंट फॉर्म जबरदस्त है, सबसे ज्यादा विकेट्स लेकर चल रहे हैं बिग बैश लीग में, मोस्टली टाइम अच्छी खासी विकेट्स निकाल ही रहे हैं, पूरे चार ओवर बॉलिंग कर रहे हैं, कैसी भी सिचुएशन हो इनको तो कंफर्म टीम में लेकर चला ही चला, कैप्टन वाइस कैप्टन के भी कंटेंडर रहते हैं। फिर दोस्तों पी हेडजोग्लू, हालांकि लास्ट के दो मैचों की बात करें तो इन्होंने दो मैचों में पांच विकेट्स लिए, उससे पहले थोड़ा स्लो चल रहे थे, विकेट्स नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन पर्च कोचर्स पर स्पिनर्स को बहुत ही कम हेल्प है, इसलिए रिसेंट फॉर्म इनकी अच्छी खासी है तो मैं इनको टीम में नहीं ले पाऊंगा। तो आप अगर चाहो तो इनको ले लेना क्योंकि कई बार क्या होता है कि पिच रिपोर्ट से बेशक पेसर्स को हेल्प करती हो लेकिन बल्लेबाज हिटिंग करते वक्त या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होते वक्त स्पिनर्स को एक आधी कैचेज मिल जाती है, यानी कि विकेट्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। फिलहाल मैं इनको इसलिए ड्रॉप कर रहा हूं कि पिच पर स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प नहीं है। फिर दोस्तों 10 नंबर पर डी पेन, लास्ट के दो मैचों से इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, लास्ट मैच में 3 विकेट्स निकाल कर आ रहे और ये हैं भी विकेट्स टेकर बॉलर्स, डेथ में भी बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हैं, मोस्टली टाइम चार ओवर बॉलिंग करेंगे, एक दो विकेट ही आपको निकाल कर देंगे यानी कि अच्छे खासे पॉइंट्स देंगे, ये भी एक सेफ ऑप्शन है। फिर दोस्तों लायन मोरेंस, इसमें हालिया परफॉर्मेंस इनका अच्छा खासा रहा, आप देख रहे हैं कि 2 विकेट दो और लास्ट मैच में भी 3 विकेट निकाल कर आ रहे, क्या इस मैच में भी दोस्तों ये 2 विकेट 3 विकेट निकाल सकते हैं कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर मैच में कोई कितना बड़ा प्लेयर्स हो लगातार बहुत कम चांसेस होते हैं कि 3-4 मैचों के बाद एक मैच में उसको विकेट ना मिलता, लेकिन फिर भी एक आध विकेट ये मेरे हिसाब से निकाल के देंगे, कमेंट्स में बताना कि ये कितने विकेट निकाल सकते हैं। बाकी मैं इनको थोड़ा ड्रॉप करने की सोच रहा हूं आज, लांस मोरिस पर रिस्क लेने की सोच रहा हूं, हो सकता है इस मैच में ना ज्यादा विकेट निकाल पाए क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, हालांकि प्लेयर्स अच्छे हैं। फिर दोस्तों मेलबर्न रेगनेट्स की परफॉर्मेंस की बात करें, प्लेयर्स की बात करें तो जैक फ्रेशर्स ओपनिंग कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस तो जबरदस्त खराब चल रही है, 6-1-1-5 ड्रॉप ही करेंगे। मार्टिन गुप्टिल ओपनिंग कर रहे हैं लेकिन इनका भी परफॉर्मेंस इस बीबीएल में उतना अच्छा नहीं है, काफी दोनों से आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, हालांकि दो मैचों में इन्होंने जरूर 30 प्लस का स्कोर किया है, बैट्समैन ऑप्शन में है लेकिन फिलहाल थोड़ा स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं लेकिन संभल कर खेल रहे हैं, जिसकी वजह से 30-11-14 यानी 36 यानी कि 30 का रन इनसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो एक अच्छे खासे ये पिक हो सकते हैं। सैमर पर दोस्तों ये भी अच्छे खासे हैं वैसे तो, लेकिन विकेट्स कीपर मैं एक ही लेकर चला हूं जो कि जोश इंग्लिश है और ये विकेट्स कीपर ऑप्शन में है, हालिया परफॉर्मेंस इनका अच्छा है, अगर आप 2 विकेट्स कीपर लेना चाहते हो तो सैमर पर भी आपके लिए अच्छे खासे होते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही होता है कि विकेट्स कीपर में से किसको ड्रॉप करे किसको नहीं, क्योंकि दोनों अच्छे प्लेयर्स हैं और दोनों का बैटिंग ऑर्डर ठीक ठाक ही है। तो फिलहाल मैं जोश इंग्लिश को ले रहा हूं तो सैम हार्पर को मैं नहीं ले पाऊंगा। एरोन फिंच दोस्तों जिस तरह से बीबीएल के शुरुआत मैचों में 30-40-50-60-30-20 अच्छा खासा स्कोर किया था, वहीं पर लास्ट के 5 मैचों में 4 मैचों में लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाए, लास्ट मैच में भी 22 रन पर आउट हो गए, थोड़े आक्रामक रवैये से खेलने की कोशिश कर रहे हैं जिस वजह से विकेट्स फेंक रहे हैं, फिर भी बैट्समैन ऑप्शन में है और टीम के कैप्टन है, मोस्टली टाइम ये स्मॉल लीग के लिए 40-50 पॉइंट दे सकते हैं, तो ये भी अच्छे खासे पिक आपके लिए हो सकते हैं। जोनाथन वेल्स दोस्तों 5 नंबर पर बैटिंग ऑर्डर है और इस बीपीएल इनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरह से पिछले बीपीएल में चमके थे, तो इनको भी मैं ड्रॉप ही करूंगा। एम क्रिचली दोस्तों टैलेंटेड है ये
और बैटिंग आती है तो वहां से ये पॉइंट जरूर दे सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी ये बैटिंग कर लेते हैं, छह नंबर पर बैटिंग है और कुछ एक ओवर बॉलिंग करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कभी इनसे एक ओवर बॉलिंग करवा लिया जाए, कभी दो ओवर बॉलिंग करवा ली जाए, कभी एक भी नहीं, इसलिए थोड़े रिस्की जरूर रहेंगे, लेकिन ग्रैंड लीग के एक अच्छे खासे प्लेयर्स हैं, समो लीग में उतने अच्छे नहीं है। विल सदरलैंड दोस्तों जबरदस्त प्लेयर्स हैं, आठ नंबर पर बैटिंग है और बैटिंग से भी पॉइंट्स दिए हैं इन्होंने इस टूर्नामेंट में। आप देख रहे कि चार रन एक विकेट, 31 रन एक विकेट, 9 रन लास्ट मैच में, 42 रन बनाकर आ रहे हैं और लास्ट मैच में हालांकि इनको बॉलिंग तो मिली, चार ओवर बॉलिंग की, लेकिन विकेट्स नहीं मिला। विकेट टेकिंग बॉलर जरूर है और फिलहाल पूरे चार ओवर बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए प्लेयर्स हैं। फिर दोस्तों कोरी रोंचली की बात करें तो लास्ट मैच खेले और दो विकेट्स लिए, लेकिन इस पिच पर स्पिनर्स को कम हेल्प है तो मैं इनको अपनी टीम में नहीं ले पाऊंगा। टॉम रोजर्स दोस्तों ये भी अच्छे खासे विकेट निकाले इस बीबीएल में, इनके भी अच्छे खासे यानी कि शायद सेकंड पोजीशन पर चल रहे हैं सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वालों में, क्योंकि ये भी विकेट्स लेते हो तो बंडल में विकेट्स लेते हैं और फर्स्ट बॉलिंग आती है तो एक यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन के भी चॉइस रहेंगे। फिर दोस्तों फवाद अहमद 11 नंबर पर आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे और प्लेयर्स अच्छे हैं भी, और इनका देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि 11 नंबर पर है, हालांकि 12वां केन रिचर्डसन है, लेकिन एक 7 नंबर पर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता। तो फवाद अहमद की बात, जो सी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, हालांकि लास्ट मैच में खेले इनको कोई विकेट नहीं मिला और इस पिच पर स्पिनर्स को भी कम हेल्प है, लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच में एक स्पिनर्स को तो हम अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, तो मैं फवाद अहमद को आज अपनी टीम में एज ए ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स, सेलेक्शन कम है जो कि वन साइड विनिंग करवा सकते हैं, तो आप फवाद अहमद को जरूर ट्राई करिएगा। फिर दोस्तों केन रिचर्डसन ये भी अच्छे खासे हैं, लेकिन इस बीबीएल उतना परफॉर्मेंस नहीं रहा इनका जिस तरह के ये प्लेयर्स रहे हैं, जबरदस्त है, सबसे अच्छे बॉलर्स माने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है, लेकिन इस मैच में फर्स्ट बॉलिंग आती है तो अच्छे खासे पिक हो सकते हैं, क्योंकि अब टीम को इनकी जरूरत है, इनको विकेट्स निकालने ही होंगे या 2 से 3 विकेट्स ये निकाल कर भी जा सकते हैं। हालिया परफॉर्मेंस इनका ठीक ही है, थोड़ा शुरुआती में तो इनको विकेट्स नहीं मिला था, लेकिन लास्ट 4 मैचों की बात करें तो 2 विकेट्स 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट्स, हालांकि लास्ट मैच में पॉइंट जरूर दिए, इकोनॉमिकल रहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं इन पर आज कैप्टनशिप का भी रिस्क लेने वाला हूं। अब दोस्तों मैं ड्रीम 11 भी ओपन कर लेता हूं ताकि आप लोगों को बता दूं कि क्या मेरी प्लेइंग 11 बनकर तैयार हुई है और किस प्लेयर्स को मैंने ड्रॉप किया हुआ है। और दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो आपका प्यार समर्थन मिलता है तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपनी टीम की। तो विकेट कीपर में मैंने जोश इंग्लिश को लिया हुआ है, 3 बैट्समैन लिए हुए मैंने, मार्टिन गुप्टिल, एरोन फिंच और बैनक्रॉफ्ट। ऑलराउंडर में विल सदरलैंड, एरोन हार्डी को लिया हुआ दोस्तों। बॉलर्स मैंने 5 लिए हुए हैं, केन रिचर्डसन, फवाद अहमद और एंड्रू टाई, डी पेन, टी रोजर्स। 5 बॉलर्स इसलिए लिए हुए, एक तो T20 में ज्यादा बॉलर्स लेकर चलने का बेनिफिट हमेशा ही रहता है और थोड़ी पिच जरूर है बैटिंग फ्रेंडली है, लेकिन थोड़ी स्लो हो चुकी है, इसलिए मैं 5 बॉलर्स के साथ इस टीम में जा रहा हूं। इस टीम में दोस्तों जो मेरा यूनिक कैप्टन होगा वो होगा केन रिचर्डसन। आप चाहो तो हार्डी या सदरलैंड को भी कैप्टनशिप ऑप्शन में रख सकते हो, जिनका परफॉर्मेंस दोनों का ही अच्छा। फिलहाल मैं केन रिचर्डसन के ऊपर जा रहा हूं, क्योंकि लास्ट मैच में इनको कोई विकेट नहीं मिला, इस मैच में ये अच्छी खासी विकेट निकालने वाले हैं। मेरे हिसाब से 99% श्योर हूं मैं कि ये आपको 2 विकेट तो कंफर्म निकाल कर देने वाले हैं। या फिर आप टॉम रोजर्स को भी कैप्टन बना सकते हो, जो कि जबरदस्त विकेट निकाल ही रहे हैं और विकेट लेते हैं तो टॉम रोजर्स ये भी 2-3 बंडल में लेते हैं। वाइस कैप्टन मेरा एंड्रू टाई है, जो कि हर मैच में विकेट निकाल ही रहे हैं ये भी। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम, अगर इसमें कुछ चेंजेस होता है तो मैं टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा, फर्स्ट बैटिंग और सेकंड बैटिंग या प्लेइंग 11 के हिसाब से। तो ये है फिलहाल मेरी, फाइनल तो नहीं है, अगर कुछ चेंज नहीं होता तो मैं इसी टीम के साथ खेलने वाला हूं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ मदद करेगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।